हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। एंड हम लोग इस वीकेंड पे गए थे हरिद्वार, देहरादून एंड मसूरी। एंड देन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ सेट ऑफ व्लॉग्स कवरिंग आवर जर्नी। जितना थोड़ा बहुत कवर हो पाया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट व्लॉग जिसमें हम फरीदाबाद टू हरिद्वार जा रहे हैं। सो ये आप जो देख रहे हैं, दिस इज़ मेरठ एक्सप्रेसवे और बहुत ही अच्छा रास्ता है, मतलब अमेजिंग रोड एंड अमेजिंग व्यू। वेदर भी अच्छा था क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी, तो बहुत अच्छे बादल हैं एज यू कैन सी। सो इट वाज अ वंडरफुल ड्राइव, इट वाज वेरी नाइस। एंड एज यूजुअल यू कैन सी कि मैं पीछे बैठी हूँ बिकॉज आरफ मुझे आगे नहीं बैठने देता है। सो वेरी रेयर चांस आई गेट कि जब मुझे आगे बैठने को मिले, बट अदरवाइज मी एंड कबीर आर ऑलवेज ऑन द बैक साइड। सो यस, दिस इज़ थोड़ी सी डर्टी है सनरूफ, बट या सो लवली क्लाउड्स, लवली क्लाउड्स एंड बहुत ही अच्छा मौसम था। सो प्लेजेंट वेदर टू ट्रैवल। हमने सोचा भी ये है कि हम आज जाएंगे हरिद्वार, निकलना तो जल्दी था लेकिन करते 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 देर हो ही जाती है। बच्चों के साथ सामान रखते रखते, पैकिंग करते, इसका ये खाना रह गया, इसकी बॉटल रह गई एंड ऑल दैट स्टफ करते करते वी स्टार्टेड अराउंड 12। सो मेरी क्लास थी अन अकेडमी पे 4:45 PM की, विच आई हैड टू टेक आफ्टर रीचिंग दी होटल, लेकिन लग नहीं रहा है कि तब तक हम होटल पहुंच पाएंगे। सो हमने सोचा कि वाई नॉट टू स्टॉप समवेयर फॉर लंच, और जहाँ पे लंच करेंगे वहीं पे ही कुछ प्रॉपर सी जगह देखकर आई विल टेक माय क्लास। सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम जब मैं क्लास कहीं बाहर से लेने का सोच रही हूँ। सो हम पहुँचे यहाँ पर, दिस इज़ नमस्ते इंडिया, मेरठ से पहले आता है, लाइक वेरी मच नियर टू मेरठ। सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस जॉइंट जहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक यू हैव हल्दीराम, यू हैव स्टारबक्स, यू हैव मैकडोनल्ड्स, यू हैव केवेंटर्स, बहुत कुछ है। सो ह्यूज वेराइटीज देयर। सो आपको ट्राई करना हो तो आप किसी भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का खाना ट्राई कर सकते हो। हाइजेनिक था और साफ़ सुथरा था, सो इट वॉज़ नाइस। एंड कबीर तो गाड़ी से उतर के इतना खुश होता है बिकॉज उसको लगता है कि आज़ादी मिल गई, नाउ आई कैन रोम अराउंड एनीवेयर। सो हम यहाँ पर गए, हमने लंच किया हल्दीराम पे, और उसके बाद चैलेंज ये था कि अब क्लास कहाँ ली जाए। सो पहले तो एक घंटा हमने अच्छा खासा चिल किया, वी वर इन्जॉइंग आर फूड, वी वर इन्जॉइंग दी एम्बियंस और द डिज़ाइंस और जो भी कुछ वहाँ पे था, काफ़ी कुछ था, मतलब मस्ट विज़िट। अगर आप कभी इस हाईवे पे जा रहे हो तो यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस वंस, बहुत अच्छा है, बहुत सारी खाने के ऑप्शंस हैं एंड द टेस्ट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि मेजरली ऐसी ब्रांड्स हैं जो आपको पता ही है आप कहाँ कहाँ खाते हो, तो वो टेस्ट आपको गारंटीड होता है कि हाँ इनका टेस्ट अच्छा ही होगा। और अगर आप हैंडलूम में इंटरेस्टेड हो तो हाथ से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। पूरा पूछे नमस्ते इंडिया का आउटलेट है, तो वहाँ से आप हैंडलूम की चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हो। सो इट्स अ गुड प्लेस टू शॉप ऑल्सो, तो अगर आपको शॉपिंग करनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। सो ओवरऑल काफ़ी इंजॉयबल था, बट अभी मेरे पास चैलेंज ये था कि मैं क्लास कहाँ लूँगी। सो व्हाट आई थॉट, आई वेंट टू डिफरेंट आउटलेट्स कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा या कहाँ पे सबसे कम भीड़ है। मैकडोनल्ड्स में भीड़ कम थी बट चार्जिंग पॉइंट्स नहीं थे, सो दे डिड नॉट हैव चार्जिंग पॉइंट। मैकडोनल्ड्स में मैं क्लास इसलिए नहीं ले पाई, हल्दीराम से नहीं ले सकते थे क्योंकि हल्दीराम इज़ एज़ यूजुअल टू क्राउडेड, बहुत रश होता है वहाँ पे। फाइनली आई वेंट टू स्टारबक्स, तो स्टारबक्स पे जब मैं पूछने गई थी तो इट वॉज खाली, मतलब लिटरली खाली, कोई भी नहीं था। सो कोई भी नहीं था जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लास लेनी है एक घंटा, सो दे डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, तो मैं ले लूँ, तो उन्होंने बोला हाँ जी मैम आप ले सकते हो, और वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, प्रॉपर सिटिंग प्लेस, सब कुछ था मेरे पास। सो जो बच्चों ने वो क्लास अटेंड की है उनको पता है कि किस तरह से मैम ने वहाँ पे क्लास ली थी। सो यस, सो फाइनली वी वेंट देयर और वहाँ पे मैंने क्लास ली बकायदा, ऑब्वियसली अन अकेडमी की टी शर्ट पहन के। सो आई टुक द क्लास ओवर देयर, और जब तक मैं आपको अपनी ये स्टोरी बताती हूँ यू इन्जॉय वॉचिंग दीज पिक्चर्स। सो वहाँ पे क्लास ली, जब क्लास शुरू हुई तो उस टाइम पे बहुत कम लोग थे, मतलब ना के बराबर थे, बट जैसे जैसे क्लास चली वहाँ पे एकदम से पता नहीं इतना सारा क्राउड कहाँ से आ गया। सो देर सो मेनी पीपल कमिंग इन फॉर द कॉफ़ी, एंड मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा रश होगा यहाँ पर स्टारबक्स पे इस जगह पर, क्योंकि न्यू आउटलेट है और थोड़ा साइड में करके था, बट इट वॉज़ ओवर क्राउडेड।
सो इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग इन पब्लिक एंड शाउटिंग अबाउट फॉर लूप्स कि फॉर लूप इतनी बार चलता है, फॉर लूप उतनी बार चलता है, इसका आंसर बताओ एंड ऑल दैट थिंग. बट इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. नाइस, तो मज़ा आया, अलग था. बट हाँ, उतनी अच्छे तरीके से हम लाइक वो मज़ा जो क्लास का मुझे आता ना कि मैं अपने पूरे फॉर्म में बोलूँ, तो वो वाला चीज़ नहीं आ पाई. बट येस, ली क्लास, क्या करें, स्टूडेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते हैं. सो इट वॉज ओवरऑल अ नाइस एक्सपीरियंस, नाइस प्लेस. सो यू मस्ट विजिट एंड प्लान योर जर्नीज अकॉर्डिंगली कि आपको कभी ऐसे रास्ते में रुक के कभी क्लास ना लेनी पड़े. लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था. बट इफ़ यू आस्क मी, डेफिनेटली आई वॉन्ट लाइक टू हैव इट अगैन कि पब्लिक प्लेस पर बैठ के क्लास लेनी पड़े. सो येस, देन वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड ये हम पहुँचने वाले हैं हरिद्वार. सो हरिद्वार का रास्ता बहुत ही सुंदर है एंड आप ये देख रहे हो पूरे फ्लाईओवर के ऊपर कितना अच्छी लाइटनिंग की हुई है और कितने अच्छे ग्राफिटी हुई हुई है. सो इट वॉज लवली. सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा हरिद्वार का स्टे कैसा रहा. सो अभी गंगा जी आ गई हैं, हमारे साथ साथ बह रही हैं और हम पहुँचने वाले हैं. सो वील टेक अ होटल स्टे देयर और रात को जाएंगे हर की पौड़ी एक्सप्लोर करेंगे, सुबह सुबह के दर्शन भी ज़रूर करेंगे और वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इससे अगले व्लॉग में. अभी हमारा ये सफ़र था फ्रॉम फरीदाबाद टू हरिद्वार. सो बहुत टाइम के बाद हरिद्वार आए हैं, इट लाइक कम से कम 6-7 साल हो गए होंगे. सो येस, इट वॉज नाइस, वी इंजॉयड एंड होप आपको भी व्लॉग देख के मज़ा आया होगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड सी मी इन द नेक्स्ट व्लॉग. थैंक्स फॉर वॉचिंग. See you later. Take care.